अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। अल्लाह के फ़ज़ल और करम से मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। उम्मीद करता हूँ आप भी सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, सुबह सुबह उठकर डेली नहा लिया करो, क्योंकि इससे आपका ये फ़ायदा होगा, आपका दिमाग और जिस्म दोनों फ्रेश हो जाएंगे। आप जिस काम पे जाएंगे इंशाल्लाह आपका दिल करेगा काम करने को और आपका जिस्म फ्रेश रहेगा। अभी मैं तकरीबन उठा हूँ तो मैं भी नहा चुका हूँ, नहा के सुबह सुबह फ्रेश हो चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। दिमाग भी फ्रेश है और जिस्म भी फ्रेश है, अब काम पे जाने को दिल कर रहा है। आप लोगों को भी मशवरा दूंगा, सुबह डेली कोशिश किया करें, नहा लिया करें। तो चलते हैं आगे, आपको कुछ और भी दिखाते हैं वीडियो में। दो दिन हो गए हैं मैं काम पे बिल्कुल नहीं गया हूँ, क्योंकि जो ही हम सुबह उठते हैं, सुबह सुबह यहाँ बारिश होती है, तो जब काम पे जाने लगते हैं तो ठेकेदार बोलता है यार आज छुट्टी कर लो, क्योंकि जो काम हम कर रहे हैं यहाँ वो जो है एक बंगले पे है, एक कर्नल का बंगला है DHA में, उस पे काम कर रहे हैं। काम जो है सिर्फ बाहर बाहर का काम करना है, तो इसलिए हम वहाँ से छुट्टी कर लेते हैं। तो पूरे दो दिन हो गए हैं, आज हम तीसरा दिन, अल्लाह करे आज छुट्टी ना हो, क्योंकि आज बारिश नहीं है। उम्मीद करता हूँ आज छुट्टी नहीं होगी तो मैं काम पे आ जाऊँ। मौसम बहुत प्यारा है, बहुत मज़ा आ रहा है। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे बादल हैं और मौसम ऐसा भी है, अल्लाह करे आज बारिश ना आए, हम काम पे चले जाएँ, बाद में बेशक आ जाए, लेकिन अभी ना आए, क्योंकि हम पूरे दो दिन हो गए छुट्टी, हमारा नुकसान हो रहा है, क्योंकि जो हमारा खाना है रोटी वगैरह वो हम अपना खुद से ख़रीद कर खाते हैं, तो वो हमें ठेकेदार नहीं देता, तो वो भी हमें फिर बोझ लगता है, क्योंकि दिहाड़ी नहीं लगती। तो इसलिए आप दुआ करें कि आज दिहाड़ी लग जाए, क्योंकि महंगाई का दौर है, बच्चे भी पालने हैं। पे गया तो वहाँ मुझे नाश्ता नहीं मिला, उन्होंने कहा थोड़ी देर आए, पराठे वगैरह नहीं बने, तो उसके बाद मैं अब फिर जा रहा हूँ। तो चलो उधर जा के कहीं नाश्ता किसी और जगह कर लेंगे, जहाँ मैं नाश्ता करता हूँ, वहाँ मुझे आज नाश्ता नहीं मिला। रात को जो खाना था वो मैंने बहुत देर से खाया था, तो इसलिए अभी भूख तो बहुत लग रही है, लेकिन क्या करें, आप यहाँ शहरों में ऐसे ही होता है। आप जो इस्लामाबाद रावलपिंडी है ना, ये बहुत देर तक यहाँ होटलें दुकानें वगैरह खुलती हैं, कहीं कहीं कोई खुली हुई होती हैं, लेकिन अक्सर जो ये बहुत देर, सामने आप देख रहे हैं सारी मार्केट है, ऊपर बिल्डिंग है, ये सारी बंद खड़ी है, कोई भी आन नहीं है, सारी की सारी दुकानें जो है ना बिल्कुल बंद है। हालांकि सुबह के तकरीबन 8 बजे तो आपने पता नहीं कैसी दुआ की, बारिश हो गई थी, काम पर फिर छुट्टी हो गई, हम काम पे नहीं जा सके। लेकिन आपको एक और बात बता दूं, इधर से मुझे एक बंदे ने भेजा, यार एक लस्सी का गिलास ले आओ, दोस्त ने भेजा, तो मैं दुकान से ले आया एक गिलास, उन्होंने 80 रुपये का दिया, छोटा सा गिलास है, हमारे इलाके में तो ये मुफ्त में दे देते हैं, यहाँ तो 80 रुपये का, अजीब बात है ना यार, हमारे यहाँ तो 5-6 किलो वाली बाल्टी लोग ले आते हैं, लस्सी के मुफ्त भर के ले जाते हैं हमसे, यहाँ तो एक गिलास 80 रुपये का मिलता है, आप सोच लें 80 रुपये का सिर्फ एक गिलास लस्सी का। मैं तो सुन के हैरान हूँ मेरे भाई, ठीक है महंगाई हुई है, लस्सी भी महंगी हो गई है, अजीब है ना यार। 3 दिन हो गए बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही, बारिश आ रही है आ रही है आ रही है, आप मेरे पीछे देख सकते हैं कितना खूबसूरत मौसम है और माहौल है, बारिश बिल्कुल रुकने का नाम नहीं ले रही, पूरे 3 दिन हो गए हैं बारिश है, लगातार बारिश है, तो यार हर वक्त भी बारिश अच्छी नहीं होती, दुआ करें कि बारिश रुक जाए। आज के लिए बस मेरी इतनी ही वीडियो थी, वीडियो को शेयर लाइक और कमेंट्स लाजमी करें, तमाम दोस्तों का शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।